आप घर पे कैराओके ट्रैक्स के ऊपर अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हो क्या? इस वीडियो में हमारा गोल बस इतना है कि अगर थोड़ा बहुत हमको प्रोसेसिंग करना हो छोटा मोटा, आपके पास ऑलरेडी एक कैराओके ट्रैक है तो उसकी क्वालिटी तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एनहेंस नहीं होगी, तो उसको थोड़ा सा एनहेंस किया, फिर उसके ऊपर जो आपने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करी उसको थोड़ा सा एनहेंस किया है, और उसके बाद फिर उसको मास्टरिंग इन द सेंस जब आप उसको किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म या कहीं पे आप उसको रिलीज करोगे तो हर जगह पे थोड़ा अच्छा साउंड करे, उसका लाउडनेस वगैरह ठीक हो, क्योंकि अगर लाउड नहीं होगा तो अच्छे से सुनाई नहीं देगा, मजा ही नहीं आएगा, अगर ओवर लाउड कर दिया तो फट जाएगा, फट गया तब भी बेकार हो जाएगा, तो थोड़ा सा ऐसा छोटा मोटा सिंपल सा स्टेप्स देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो आप अपने कैराओके ट्रैक को अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करने के बाद में यहाँ पे बीपीएम सेट करोगे, बीपीएम सेट करने के बाद में आप कुछ नए ट्रैक्स खोल करके उसमें अपने वोकल्स वगैरह रिकॉर्ड कर लोगे। एज सून एज आपका वो सारा वोकल्स हो गया, उसके बाद की हम बात करते हैं कि ये जो लीड वोकल्स है, मान लो कि इसमें तो बस दो ही है, छोटा सा मैंने गाना बनाया है, हो सकता है कि आप डीटी वगैरह करो, ड्यूअल ट्रैकिंग जिसको बोलते हैं, कि दो अलग अलग लेयर्स पे कुछ हो या चार अलग अलग लेयर्स पे कुछ हो, अब फिर आप उनको चाहोगे कोहेसिव हो तो फिर उनको राइट क्लिक करके ऐसा करके क्रिएटर ट्रैक स्टैक, अभी इसमें फ्लैटन का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी ट्रैक स्टैक हमने बना लिया है, तो एक क्रिएटर ट्रैक स्टैक करोगे, ट्रैक स्टैक करने के बाद में यहाँ पे ये ग्रुप सा बनकर के आ जाएगा, इसी के अंदर में बस भी होगा और उस बस के अंदर में आप कॉम्बाइंड प्रोसेसिंग कर सकते हो। अब होता ही है जब एक बस के थ्रू प्रोसेस होते हैं कई सारे ट्रैक्स तो उनमें एक कोहेसिवनेस बिल्ड होता है, वो ग्लू टुगेदर होता है, इसीलिए बेसिकली हम बसेस का इस्तेमाल करते हैं। प्लस कई बार अगर एक ही चीज को बार बार प्रोसेस करना हो, फिर सेम सेम प्लगइन और सब कुछ लगाना हो तो सीपीयू इंटेंसिव भी होगा, आपका कंप्यूटर का रिसोर्सेज भी लेगा, तो इट इज बेटर कि उनको एक ग्रुप के अंदर से पास करा करके प्रोसेस कर लो। तो इसमें देखते हैं क्या किया है कि पहले आपने वो ट्रैक वो किया, फिर आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद में जो मेजर आपका बातचीत आता है वो आता है कि मिक्स करने का। मिक्स करते वक्त ऐसा रहेगा कि जो ट्रैक है, हो सकता है कि आपको उस ट्रैक को थोड़ा बहुत कंप्रेस करना पड़े, हो सकता है हल्का फुल्का ईक्यू वगैरह भी करना पड़े। इस वाले ट्रैक में मैंने खास कुछ किया नहीं, थोड़ा सा कंप्रेस इसलिए किया है मैंने इस ट्रैक को 4:1 रेशियो में, ये विंटेज VCA लगा के। इसमें क्या है, ये ट्रैक में ना डायनामिक रेंज बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप अगर इधर देखोगे तो यहाँ पे ये अचानक से बिल्कुल ही लाउडनेस बहुत ज़्यादा जंप हो जाता है, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा जंप हो जाता है, तो क्योंकि पहले गिटार चल रहा था, फिर गिटार के साथ में बस बेस आया, उसके बाद में ड्रम वम सब कुछ एकदम सिंथ विंथ सब आ जा रहा है एक साथ, तो ऐसे मामले में देयर इज अ ह्यूज रेंज ऑफ डायनामिक रेंज का शिफ्ट, और उसके ऊपर में वोकल्स को ऑटोमेट करना पड़ेगा या तो, विच कैन बी अ पेनफुल प्रोसेस, तो थोड़ा सा डायनामिक रेंज को कम कर देते हैं। पहले एक्स्ट्रा वोकल्स को देखते हैं क्या किया है हमने इसमें, तो ये ऐसा आता है, ऐसा इधर ये आता है, तो इसको पहले तो मैंने पिच करेक्ट किया हुआ है, पिच करेक्ट करने के लिए बी नेचुरल माइनर का स्केल है इस गाने का, वही हमने सिलेक्ट कर लिया है, इस पर थोड़ा हार्ड कंप्रेस किया हुआ है, तो 8:1 रेशियो का कंप्रेशन है, और जितना ये माइनस हो रहा था उतना ही हमने इसको ऐड कर दिया, एक हल्का सा सॉफ्ट डिस्टॉर्शन ऐड किया है जस्ट टू ऐड इन अ बिट ऑफ कैरेक्टर टू द साउंड, मतलब थोड़ा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऐड हो जाएगा इसके साथ में, इसलिए ये डिस्टॉर्शन यहीं से ऐड कर दिया। वो हार्डवेयर की भी ना अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है बेसिकली कंप्रेसर्स, और अगर आप उसको ओवरड्राइव करोगे, मतलब उसको अगर उसमें आप इनपुट सिग्नल बहुत ही तेज यानी लाउड डालोगे तो थोड़ा सा ओवरड्राइव भी करता है, बेसिकली उसी की वजह से वो कैरेक्टरिस्टिक रहता है, तो उसी से लोग सिलेक्ट करते हैं कि मेरे को यार CLA वाला कंप्रेसर यूज करना था या API यूज करना था या SSL whatever, जो भी जैसा भी रहता होगा। इसमें इतना किया हमने, उसके बाद में हमने इसको थोड़ा सा अटपटा सा EQ किया हुआ है, लोज हमने काट दिए हैं, इसके हाईज हमने काट दिए, थोड़ा मिड वेट को एडजस्ट किया है, और फिर हमने किया है ये यहाँ पे रिवर्ब और डिले का इस्तेमाल। पहले चलते हैं रिवर्ब में, ये स्टॉक रिवर्ब है लॉजिक का ही, और इसमें मैंने एक प्रीसेट का इस्तेमाल किया है, मे बी यहीं कहीं से होगा, लार्ज स्पेसेस हॉल्स के अंदर में, वोकल हॉल में भी, का जो वेट है उसको 100% कर दिया, ड्राई हमने हटा दिया है। एक ही पैरामीटर का जो मेजर एडजस्टमेंट किया है इस वाले रिवर्ब पे वो है 1/32D का प्री डिले डाला हुआ है, उससे वो थोड़ा सा स्लैप बैक वाली फीलिंग आती है हल्की सी। जो डिले वाला जो बस बनाया है ऑक्सिलरी, उसमें ये स्टीरियो डिले इस्तेमाल किया है, उसके साथ में उसको थोड़ा सा अलग सा कैरेक्टरिस्टिक देने के लिए ऑटो फिल्टर इस्तेमाल किया है, और ये ऑटो फिल्टर में बेसिकली ये एक प्रीसेट है ऑलवेज राइजिंग वाला, और बस इसमें ड्राई वाला सिग्नल 200% पुश किया हुआ है, और थोड़ा सा मेन आउटपुट को थोड़ा माइनस किया है। फिर हमने
इसको भी थोड़ा सा EQ किया हुआ है। बेसिकली ये डिले को EQ करने का पीछे हमारा रीजन ये है कि वो हमारा जो मेन वोकल्स है उसके आड़े ना है। ये EQ एक बहुत सिंपल सा टूल है, पर इसको थोड़ा सा ध्यान देकर के सीखने की जरूरत है, अपने कानों को थोड़ा सा शार्प करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, फिर जो मेन जो वोकल्स है इसको भी हमने किया कंप्रेस, यही विंटेज VCA लगा करके। अच्छा, 5:1 का ये पहला कंप्रेसर है हमारा। जीने की उसके संग हो, और ये ऑलमोस्ट ना -5 से थोड़ा ऊपर हमारा गेन रिडक्शन हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये ऑटो गेन तो हमने ऑफ किया हुआ है, तो ये मेगा हमने 5 dB का किया हुआ है। दैट्स इट, इसमें इतना ही एडजस्टमेंट है। फिर हमने DS किया हुआ है, इसको DS करने के लिए मैंने ये RDSR, ये वेव्स का बंडल में है ये प्लगइन, ये इस्तेमाल किया है। तो बेसिकली आप चाहो तो लॉजिक का DSR से भी कर सकते हो, पर इसके बाद हमने क्या किया कि इसको दोबारा से कंप्रेस किया, इस बार ही हमने 3:1 में कंप्रेस किया हुआ है। साथ ही साथ मैंने इसको ये हल्का सा EQ किया हुआ है। वंस दिस इज डन, थोड़ा थोड़ा स्वाद अनुसार वही जो हमने जो ऑक्सिलरी बस बनाया था रिवर्ब डिले का, उसमें थोड़ा सा पुश कर दिया, जैसे इसमें इसको सेंड किया -24 dB, इसको भी ऑलमोस्ट -24 dB, तो जीने की उमंग, तभी ये रोटेट होकर के ये डिले और रिवर्ब आपको ऐसा सुनाई देता। दैट्स इट। फाइनल आउटपुट पे क्या किया है, जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा लाउडनेस को एनहांस करने के लिए यहाँ पे ये लिमिटर ऐड कर देते, तो इसका भी जो आउटपुट है इसको सिंपली -0.3 पे रख देते, 5 dB गेन ऐड कर देते हैं, तो उतना वो प्लस कर लेगा। अब ये तो स्टॉक लिमिटर है, मुझे इसका साउंड थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगता है, पर आप इसके अलावा UL इसका देखना, थोड़ा सा साउंड और क्लीन आएगा। खाली लिमिटर लगा करके ही आपका बेसिक मास्टरिंग का काम चल जाता है। मानो कि इसको पुश करते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे भी मैं जाकर के आउटपुट में -0.3 डाल दूंगा। 0.3 डालने का मकसद ये है कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में कहीं पे भी आप भेजोगे तो 0 पे तो क्लिप हो जाता है ना ऑडियो। दिस इज द सेफेस्ट मार्जिन, तो इसमें ऐसा ऑडियो का ड्रास्टिक मतलब वॉल्यूम में डिक्रीज का फील भी नहीं होता, बट कहीं फटता भी नहीं। ये लगा के चल सकता था, या वेव्स का L2 वाला प्लगइन है वो लगा के चल सकता था। इसमें मैंने ओजोन लगाया हुआ है, जनरल क्लैरिटी वाला जो प्रीसेट है इसी को मैंने इस्तेमाल किया है। इसमें एज सून एज ये आपको टेस्ट अनुसार अच्छा खासा लाउड साउंड करने लगे, और लाउडनेस का ऐसा है कि रेफरेंस करना बहुत अच्छा रहता है कि बाकी जो भी आप गाने सुनते हो उसके आसपास में हो लाउडनेस, क्योंकि लाउडनेस अचीव करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका ट्रैक ना फट ही जाए बिल्कुल। तो इसलिए आप कई सारे ट्रैक्स वगैरह रेफरेंस करो, जिस भी सिस्टम में आप सुनते हो उसका एक कॉन्सिस्टेंट वॉल्यूम रख लो ताकि आपका कान ना ट्रेन हो जाए। बेसिकली ये जो पूरा गेम है, ये गेम ही पूरा ईयर ट्रेनिंग का है। जितने साल आप दोगे इस चीज़ को, ये छोटा छोटा टेक्निक्स को आप प्रैक्टिस करोगे हर रोज, आपका कान उतना ही शार्प होगा, आपका सेंसेस उतना ही शार्प होगा, आपका बेसिकली ये डॉ पे भी आपका कंट्रोल बहुत फास्ट हो जाएगा ये सारी चीजें। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो काफी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आपके जो भी व्यूज है आप मुझे यहाँ पे कॉमेंट करके बता सकते हो। हम लोग बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। मैं कॉन्स्टेंटली इंस्टाग्राम पे कॉन्टेंट डालता रहता हूँ, तो आपको मजा आएगा वहाँ पे कनेक्ट होकर के मेरे साथ में। वो सारे लिंक्स यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं मैंने, और ये जितनी सारी मैं वीडियोस बना रहा हूँ इससे अगर आपको हेल्प हो रहा है, आप बस इतना कर सकते हो कि आप इनको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पे शेयर करो, ताकि और भी ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके इससे, और इस तरीके से हमारा कम्युनिटी भी बढ़ेगा। जैसे जैसे हमारा कम्युनिटी बढ़ेगा तो वैसे ही इसमें रिसोर्सेज बढ़ेंगी, सभी के लिए अच्छा रहेगा वो। और अगर आपने खुद ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ये आप ही का चैनल है, आप ही के लिए सारा कॉन्टेंट बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो फिर हम जुड़े रहते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।